हश मनी के मामले में मैनहट्टन में 12 लोगों की ज्यूरी ने सर्वसम्मति से ट्रंप को दोषी पाया है। अब इस मामले में आगे सजा पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई जो है उसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो आगे प्रक्रिया क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है ये आपको बताते हैं। अब फॉर्मेलिटी ये होती है कि ज्यूरी ने जो वर्डिक्ट दे दिया उसमें अब उसके बाद अब जो सेंटेंसिंग है यानी सजा उनको क्या होनी चाहिए इस पे सुनवाई होगी और 11 जुलाई से इस पर सुनवाई शुरू होगी। दोनों पक्ष के वकील जो है अपनी अपनी बहस करेंगे और क्या होगा इसको लेकर जज जो है वो फाइनल एक डिसीजन रखेंगे। क्या ट्रंप इस सजा के बाद या फिर ट्रंप इस मामले में जिनमें उनको दोषी पाया गया है क्या वो जेल जा सकते हैं, ये फिलहाल थोड़ा अनलाइकली लगता है। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी का जो मामला है उसमें यहां पर मैनहट्टन में वैसे तो 4 साल की सजा जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर यहां फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जिसने पहली बार इस तरह का अपराध किया हो उसे ऐसी सजा नहीं दी जाती है यानी जेल की सजा नहीं दी जाती है। तो शायद उनको फाइन लगेगा या प्रोबेशन पर उनको रखा जाएगा, हो सकता है कि हाउस अरेस्ट में भी रखा जाए क्योंकि एक पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनके जो सिक्योरिटी डिटेल्स होती है उसको जेल में मेंटेन करना शायद मुश्किल होगा क्योंकि अब क्योंकि वो पूर्व प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, तो उनके साथ जो सीक्रेट सर्विस है वो हमेशा मौजूद रहती है। अब ये सवाल है कि क्या इस कन्विक्शन को उसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपील कर सकते हैं। वो कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसके पीछे राजनीतिक मामला है ताकि वो चुनाव में मुश्किल उनके सामने आए, या फिर जो चार्जेस हैं वो भी वो कह सकते हैं कि यहाँ पर लीगली ये मेंटेनेबल चार्जेस जो हैं वो नहीं है। फेडरल इलेक्शन में यानी कि देश के इलेक्शन में राज्य के जो चार्जेस हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये कुछ लीगल पॉइंट्स उनके हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हाँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक एलिजिबिलिटी होती है राष्ट्रपति की वो ये कि वो एक नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन होने चाहिए, उनका जन्म यूएस में हुआ हो, 35 साल से ज्यादा की उम्र हो और कम से कम देश में वो 14 साल रहे हों। तो अगर वो चुनाव अगर उनको सजा भी होती है वो जेल में भी होते हैं और तो भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 20 जनवरी 2025 को वो शपथ राष्ट्रपति के तौर पर ले सकते हैं। क्या ये पूरा जो मामला है उनके कैंपेन पर असर डालेगा, तो लीगल मामलों में जहां उनको अपियर होना है कोर्ट्स में तो हो सकता है कि उनके शेड्यूल के साथ समस्या हो, लेकिन जहां तक बाकी नियम है तो रिपब्लिकन पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन है वो 15 जुलाई को है यानी 11 तारीख को सेंटेंसिंग पर सुनवाई शुरू होगी। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जो है वो 15 को है, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को अगर दोषी माना गया हो तो उसे नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें भी समस्या नहीं। और बड़ी संख्या में रिपब्लिकन जो नेता है वो उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट भी ट्रंप का काफी है क्योंकि जहां पर उन्हें दोषी करार दिया गया है कोर्ट में उसके बाहर भी बड़ी संख्या में उनके सपोर्टर्स मौजूद रहे। लेकिन ऐसा क्या होगा अब इस मामले में, क्या इसके और भी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, तो ये जो दोषी उनको पाया गया है तो उसका असर कहीं ना कहीं बाकी क्रिमिनल केसेस पर भी हो सकता है और ये एक प्रभाव डालने वाली बात जरूर है कि उन्होंने किस तरह से 1,30,000 पेमेंट स्टॉमी डैनियल्स जो कि पॉर्न स्टार है उनको देने के लिए उनके बारे में खुद अपने बारे में नेगेटिव न्यूज छुपाने के लिए 2016 के इलेक्शंस में इस तरह के पेमेंट्स किए, बिजनेस रिकॉर्ड में गड़बड़ किया, तो ये सारी चीजें जो है इसका असर बाकी पर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।